The question is, Midday Limited invited applications for issuing 27,000 shares of 100 each. Table as follows. ये question का first line है और last sentence है, pass necessary journal entries in the books of a Midday Limited for the above transactions by opening calls in arrear and calls in advance account whenever necessary. तो क्वेश्चन हमने फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ लिया पता करने के लिए और बताने के लिए कि आप लोग भी ऐसे पढ़ते रहना पूरे क्वेश्चन का फर्स्ट लास्ट लाइन. जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हो इसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन यही है, आंसर भी ठीक आएगा. पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लिखो इन द बुक्स ऑफ मिडी लिमिटेड और वर्किंग नोट में एक नंबर नोट में इंस्टॉलमेंट का नाम लिखो, एप्लीकेशन ₹50 और अलॉटमेंट ₹10. क्वेश्चन में दे रखा है ₹100 से 60 चला गया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस ₹40. अभी क्या करेंगे ना, ये जो कैपिटल वाला लाइन को कॉलम को टोटल करके हम देखेंगे ₹100 क्या है. और अंकुर एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था और उसी टाइप आशा और एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसे एडवांस में दे दिया. मैंने प्लस आशा 600 रेड इंक में लिख दिया, मतलब एडवांस में दिया. ये अपने सॉल्यूशन निकालने का रफ वर्क. देन नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ शेयर इशू किया 27,000 और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड है 40,000, तब इसमें प्रोराटा रिफंड फुल अलॉटमेंट ये सब निकलता है. तो नोट टू में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200 शेयर अंकुर का फॉरफिट किया, रीशूट भी 200, वही नंबर ऑफ शेयर रीशूट 200 है. मिस्टर अंकुर का 200 शेयर है उसको फॉरफिट किया, उसी को रीइश्यू कर दिया. देन नोट टू में स्टेटमेंट ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, कैसे कैसे प्रोराटा अलॉटमेंट करा, एक फॉर्मेट बना दो ऑप्शन, एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर अलॉटेड. एप्लीकेशन रिसीव्ड दे रखा है क्वेश्चन में 40,000, शेयर्स अलॉटेड 27,000. अभी देखो 7,000 एप्लीकेशंस पे 7,000 शेयर अलॉटमेंट हो गया, इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट, देयर इज नो फ्लॉ इन दिस वन. बाकी जो रह गया उनको प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया. 40,000 से 7,000 अगर जाता है तो 33,000 आता है. 33,000 को 20,000 शेयर, 33,000 एप्लीकेशंस पे 20,000 शेयर्स अलॉट हो गए. नेक्स्ट वन नोट थ्री, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट. ये अमाउंट कैसे एडजस्ट किया जाएगा उसका हम देखेंगे. सबसे पहले हम पर्टिकुलरली मिस्टर अंकुर को पकड़ लेते हैं, जिनका मतलब अंकुर इसमें दे रखा है आशा होल्डिंग 600 शेयर्स एंड अंकुर होल्डिंग 200 शेयर्स हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ही शेयर्स आर फॉरफिटेड. तो अंकुर का शेयर अलॉटेड है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 200, उसने एप्लीकेशन कितने दिया था, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड उससे अंकुर से मिला था 33,000 एप्लीकेशंस पे 20,000 शेयर अलॉट हुआ है. तो 33,000 बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाई अंकुर को मिला है 200 शेयर, तो अंकुर ने 330 एप्लीकेशन भेजा था. तो व्हाट अबाउट हिज पेमेंट्स एंड रिसीट्स, पेमेंट्स एंड फेल्योर टू पे, नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 330 शेयर एप्लीकेशन ₹50 का एक, अंकुर से मिला है 16,500 और इसके बाद लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू. हम अंकुर से रखेंगे कितना, 200 × 50 10,000 और अंकुर का एप्लीकेशन पैसा कवर होने के बाद अलॉटमेंट के तरफ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बच गया 6,500. इसको हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी और इससे अलॉटमेंट मनी काट लेंगे, लेस अलॉटमेंट ड्यू 200 शेयर ₹10 ₹2,000. तो मिस्टर अंकुर के बच गया, अलॉटमेंट पूरा कवर होने के बाद बच गया 4,500 जो कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे. एक्सेस मनी ओवर अलॉटमेंट ड्यू 4,500 और 2,000 × 200 × ₹40 होगा
फास्ट एंड फाइनल कॉल, 240 8000 होता है तो 4500 पूरा कवर अप हो गया, पूरा चला गया फास्ट कॉल में, फास्ट एंड फाइनल कॉल में। नेक्स्ट होता है लेस फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू 240, क्योंकि 200 शेयर उसको मिला है, 40 रुपए फास्ट कॉल मनी ड्यू है, 240 8000 बच गया। अभी इसके बाद फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड है 3500, मिला नहीं, नॉट रिसीव 3500। देन नेक्स्ट में आएगा आपके एप्लीकेशन मनी रिसीव 33000, हम टोटल कंपनी का देखेंगे 33000, प्रोराटा अलॉटमेंट में देखेंगे कितने पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, कितने फास्ट कॉल में गया, ये सब हम यहीं से मार्कआउट कर लेंगे। तो खाली प्रोराटा वाले के लिए, जो 7000 वालों को तो 7000 मिला है, दैट इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव 33000 एट द रेट ऑफ 50 16,50,000 प्लस एप्लीकेशन मनी ड्यू 20000 एट द रेट ऑफ 50 10,00,000, क्योंकि सबने दिया था, प्रोराटा वालों ने दिया था 16,50,000 रुपए, हमने इनको 20000 शेयर्स दिए, 20000 इंटू 50 10,00,000, तो बच गया 6,50,000 एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी। लेस अलॉटमेंट मनी ड्यू 20000 इंटू 10 2,00,000 और बच गया 4,50,000 एक्सेस मनी ओवर अलॉटमेंट मनी ड्यू। लेस ये जो इतना तक, ये जो 4,50,000 बच गया, ये फास्ट कॉल में एडजस्ट होगा और अलॉटमेंट का पूरा पैसे मिल चुका है। नाउ गेट डाउन टू द जर्नल, जर्नल ऑफ मिडी लिमिटेड का प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। पहला एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 एप्लीकेशंस एट द रेट ऑफ ₹50 पर एप्लीकेशन। तो 40,000 एट द रेट ऑफ 50 20,00,000। नेक्स्ट पे होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 20,00,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे कंपनी मिडी लिमिटेड इश्यू कर रही है 27,000 शेयर एट द रेट ऑफ 50, दैट इज 13,50,000। और अलॉटमेंट में जाएगा 2,00,000, हमने अभी अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया, दैट इज 27,000। तो वर्किंग नोट पे दे रखा है मैंने कि अलॉटमेंट में टू शेयर अलॉटमेंट में 2,00,000 रुपए जाएगा और जो बच गया वो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, वो कैलकुलेट करके बता दिया। अलॉटमेंट एंड कॉल्स में 13,000 शेयर एट द रेट ऑफ 50 6,50,000 वो दोनों में चला गया, कैसे गया वर्किंग में बताया। उसके बाद आपके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000 इंटू 10 2,70,000। नरेशन हम कैसे लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 27,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। उसका नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसे मिलता है उन्होंने बोला है कि कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस आप यूज करना, बट अलॉटमेंट इन एडवांस जो 2,00,000 है वो नहीं यूज करना, अलॉटमेंट इन एडवांस कोई वार्ड नहीं होता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 94,000 कैसे आया आप खुद देख लो। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,70,000 से 2,00,000 कैरी फॉरवर्ड हो रखा है, हमारा एंट्री नंबर 3 में बन रहा है कि हमें अलॉटमेंट के ऊपर 2,70,000 रुपये मिलेगा, उससे 2,00,000 रुपये मिल चुका है अलॉटमेंट ड्यू में, सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में 2,00,000 रुपये ट्रांसफर हो चुका है, तो 2,70,000 से 2,00,000 मिल चुका है और मिलेगा 70,000 प्लस अलॉटमेंट के लिए प्लस कॉल्स इन एडवांस 600 शेयर होल्डर ने 40 रुपये दे दिया, दैट इज 24,000। उस बंदे का नाम है आशा, बंदी का नाम, तो उसने आशा ने दिया है 600 एट द रेट ऑफ 40,64,24,000 बिंग बैलेंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विथ कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी वर्किंग नोट के डिजाइन के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद फास्ट कॉल ड्यू, शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग शेयर फास्ट एंड कॉल नहीं फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 27,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर।
यानी जब पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,52,500, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड जो मिला था अलॉटमेंट के टाइम पे आशा के 24,000 × 40, 24 दैट इज 600 शेयर एट द रेट ऑफ 40, 24,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड जो अंकुर का जो था जिसने दिया नहीं था प्रोराटा में, क्योंकि 200 शेयर का अलॉटी था, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट मैंने कैलकुलेट करके वर्किंग नोट 3 में दिखाया है, दैट इज 3,500। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टोटल अमाउंट 10,80,000। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 और बैलेंस जो है कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के थ्रू एडजस्ट हो गया। देन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये जो अंकुर का जो शेयर है उसको हम फॉरफिट कर दिया, तो कॉल्ड अप वैल्यू है 200 × 100 का एक शेयर है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 200 × 100 = 20,000। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आप अंकुर का कैलकुलेशन देख लो, अंकुर का कैलकुलेशन देखो उसके अंदर दे रखा है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 16,500, कॉल्स इन एरियर अकाउंट 3,500, क्योंकि यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आप लोग आइदर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यूज करो। बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंथ, इसके बाद री इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 × 105 दैट इज 21,000। तो उसमें ये है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1,000 rupees, बीइंग 200 शेयर्स रीशूड एट 105 पर शेयर 100 पेड अप, इसका मतलब है 100 रुपए का शेयर 105 में रीशू हुआ, 200 × 105 आया 21,000, शेयर कैपिटल में आएगा 200 × 100 20,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आएगा 1,000 रुपए, और लास्ट एंट्री होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी 16,500 रुपए थर्ड लास्ट एंट्री उसमें दे रखा है 16,500 दैट इज फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, उसी से हम माइनस कर देंगे 0, 16,500 से हमारा दैट वाज क्रेडिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, हमारा डिस्काउंट ऑन रीइश्यू नहीं है यानी डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट है नहीं, तो 16,500 से 0 माइनस करके आएगा 16,500, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज 16,500 ईच, बिंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, हम जर्नल का दोनों कॉलम टोटल कर देंगे 65,81,500, क्योंकि दोनों अगर मैच कर गया तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।